हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लंच में अपने यहाँ बनाने वाली हूँ बालोर और मुठिया की सब्जी। ये सब्जी बालोर की हम सभी खाते हैं, आप बनाते भी होंगे, लेकिन एक सब्जी को अगर बहुत सारे तरीकों से, अलग अलग तरीके से ट्राई किया जाए ना, तो खाना काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो मैंने सबसे पहले ले ली है 6-7 लहसुन की कलियाँ और उसको मैंने कर लिया है बारीक बारीक सा चॉप। आप चाहें तो इसको कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इनको बारीक बारीक चॉप किया है। उसके बाद मैंने एक बाउल भर के मेथी ली है, ये फ्रेश मेथी है, इसको वॉश कर लिया था मैंने और सिर्फ पत्ते पत्ते ही यूज़ कर रही हूँ। इसको भी मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। अब इसको हम रख देंगे साइड में। तो मेथी हमने साइड कर दी है। तो फ्रेंड्स, आपने बालोर की सब्जी तो खाई होगी, बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रोटी के साथ ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी। और मैंने ये जो मटर के दाने हैं एक बाउल से थोड़ा कम ये निकाल के रखे हुए थे। अब इसके बाद मैं लाई हूँ ये बालोर, मैंने ली है 150 ग्राम के करीब। इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें जो साइड में दोनों साइड रेशे होते हैं वो काफ़ी कड़क होते हैं, तो उसको हम निकाल देंगे। तो सारी बालोर के रेशे निकालने के बाद उस तरीके से इसको बीच में से हम देख लेंगे कि कोई कीड़ा वगैरह है तो नहीं, और सारी बालोर को इसी तरीके से हम सुधार लेंगे। तो मेरी ये जो बालोर, तो इसको हमें दोबारा से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको पहले से ही वॉश कर लिया है। बस इसको हमें तोड़ना था हाथों से, आप चाकू से भी काट सकते हैं। अब मुठिया बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी बेसन, और उसके बाद जो मेथी हमने कट करके चॉप करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे कटी हुई, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ी मिर्च मैंने रख दी, हम सब्जी में यूज़ करेंगे, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, क्योंकि बेसन डाला है तो अजवाइन तो डालना बनता है। उसके बाद 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने। 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैंने डाल दी है लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला। उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, जिससे कि हमारे जो मेथी के मुठिया हैं वो काफ़ी फूले फूले बने। और थोड़ी सी हींग डाल दी है 1 पिंच के करीब, और ज़रा सा मैंने बस ऑयल डाला है छोटी 1/2 चम्मच के करीब। उसके बाद एक नॉर्मल पानी लेंगे हम, कोई यहाँ पे आपको गर्म वगैरह ऐसा कुछ पानी यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी मैंने लिया है। और उसके बाद हम इसका नॉर्मल मीडियम सा, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, और नॉर्मल मीडियम सा हमें डो बनाना है। मैंने हाथों पे थोड़ा सा लगा लिया है ऑयल, जिससे कि हम ये जो बेसन है इसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ और ये हमारे हाथों से चिपके नहीं। तो इसकी यहाँ पर हम छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मेथी के जो मूठियाँ बना रहे हैं ना हम, उसकी मैंने ये छोटी छोटी सी बॉल्स बना के तैयार कर ली है। तो ये सारी बॉल्स मेरी हो गई हैं बन के तैयार। आप जिस साइज़ की बनाना चाहें वैसी बना लें, लेकिन आप थोड़ी छोटी ही बनाएं, क्योंकि जब ये बॉईल होगी ना तो ये थोड़ा सा फूल जाएगी। उसके बाद गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई में, ये सारा प्रोसेस कढ़ाई में करूँगी। अगर आप चाहें तो आपके पास खुला जो चौड़ा वाला प्रेशर कुकर हो तो आप उसमें भी ये सब कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी इसमें थोड़ा सा ऑयल, हमें बस यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है क्योंकि अभी हम सब्ज़ी बना नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ ज़रा सा ऑयल यूज़ करना है। क्योंकि उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हींग डालूंगी मैं। अब हमें यहाँ करना क्या है, बेसिकली हम जो हमने बालोर को सुधार के रखा था और हमने जो मटर के दाने निकाल के रखे थे उसको हम मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे, और इसको अच्छे से जो ऑयल है इसको कोट होने देंगे, और हल्दी जो है ये कोट हो जाएगी तो इसमें काफ़ी अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा। और बस अब हम डाल देंगे यहाँ पर गरम पानी। पानी इतना डालना है कि हमारा जो ये बालोर और जो दाने हैं वो सारे काफ़ी अच्छे से डूब जाए, क्योंकि इसको हमें कब तक उबालना है, हमें इसको सॉफ्ट होने तक उबालना है। तो मैंने यहाँ डाल दिया है थोड़ा सा डूबने वाला, जिसमें ये दोनों चीज़ें डूब जाएँ उतना मैंने यहाँ देख सकते हैं उतना पानी डाल दिया है। उसके बाद हम इस ढक्कन को लगा कर और फिर इसमें एक बॉईल लेंगे। बस जैसे ही इसके अंदर एक बॉईल आ जाएगा, फिर हमारी जो मेथी के मुठियाँ हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए, हमारी जो बालोर और मटर के दाने हैं वो काफ़ी अच्छे से उबल गए हैं। मुठिया के जो ये मुठिया बनाए हैं ना हमने, ये आपको ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी में डाल देंगे ना तो अंदर जाकर फिर ये घुल जाएंगे। और इनको एक के ऊपर एक नहीं, आप थोड़ा चौड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि आप इसको अलग अलग डाल सकें। उसके बाद इसको 3 से 4 मिनट बॉईल करने के बाद देखिए, हमारे जो मेथी के मुठियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो कम से कम 5 मिनट आपको उबालना है। तो ये देखिए, मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ, हमारे जो मुठियाँ हैं वो देखिए काफ़ी अंदर से अच्छे से पक
गए हैं और ये थोड़े से फूल भी गए हैं और हमारी बॉलोर भी सॉफ्ट हो गई है। तो आपको क्या करना है, बस इस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब पानी में अच्छा सा बॉयल आए उसके बाद ही आपको ये मुठिया इसके अंदर डालना है। अब मैंने वो कढ़ाई रख दी है साइड में और फिर मैंने ली है दूसरी कढ़ाई। इसमें मैं डालूँगी बस 2 चम्मच के करीब ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे हम यहाँ पर भी, बस 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। उसके बाद हमने जो लहसुन चॉप करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ गैस को मैंने कर दिया है ऑन और अब तेल को हम गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1/2 चम्मच के करीब जीरा और फिर इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं भी डालेंगे ना तो भी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और लहसुन जो हमने चॉप किया था और अदरक को मैं डायरेक्ट यहाँ घिस दे रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है बस उसको मैंने यहाँ इसमें डायरेक्टली घिस दिया है। और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इन दोनों चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए उसके बाद जो बची हुई हरी मिर्च थी वो हमने डाल दिए यहाँ। आप जितना चाहें आपके मुताबिक ये डालें। उसके बाद फिर हम यहाँ डाल देंगे इसमें, गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, और फिर मैंने 3 टमाटर को पीस करके ग्राइंड करके रखा हुआ था, उसकी प्यूरी बनाकर रखी हुई थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो आप प्याज डाल सकते हैं, वैसे बिना प्याज के भी ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। फिर धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला डालकर और फिर इसमें स्वादा अनुसार हम नमक डाल देंगे। हमने जो पहले नमक डाला था वो हमने मुठिया में डाला था, लेकिन हमें जो बालोर और मटर की जो ग्रेवी है उसके लिए भी हमें यहाँ नमक यूज़ करना है, तो आप नमक अपने अकॉर्डिंग डालें। इसके बाद जब सारा मसाला काफ़ी अच्छे से पक जाएगा, इसका जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा, उसके बाद हमें अब डालना है इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ प्याज और टमाटर की वो जो ग्रेवी है वो इसलिए नहीं बनाई कि वो हर सब्ज़ी में वो ग्रेवी जब कॉमन होती है ना तो घर वाले भी बोर हो जाते हैं वो खाते खाते तो अब मैंने जो बालोर और मुठिया हमने उबाल के रखे हुए थे ना वो सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। मुझे यहाँ वैसी वाली ग्रेवी नहीं चाहिए थी, मुझे थोड़ा सा पतला झोल टाइप चाहिए था, तो मैंने इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाई है। फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको घर में काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको थोड़ी सी सूखी या थोड़ी सी लटपटी सी सब्ज़ी चाहिए तो आप थोड़ा कम पानी डालिएगा, और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड वाली सब्ज़ी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिएगा। तो पानी जितना डालना है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा लटपटा सा भी रख सकते हैं और थोड़ा सा इसको आप गीला भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल दिया है। अब इसमें हम अच्छा से उबाल आने देंगे। देखो कितना कम तेल डाला है और हमने जो सब्ज़ी में कितना प्यारा कलर आया है। तो ये सब्ज़ी को अब मैंने कम से कम 5 मिनट तक पका लिया है। अब जो हमारे मुठिया वगैरह में जो कसर बाकी होगी ना वो भी यहाँ पूरी हो जाएगी। वैसे तो हमारे मटर, हमारी बालोर और हमारे जो मुठिया थे वो पहले से पके हुए थे, बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स होने तक अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया। हरे धनिए से इसको गार्निश कर देंगे और ये हमारी सब्ज़ी हो गई है बनकर तैयार। तो आप भी फ्रेंड्स अपने लंच में या अपने डिनर में ये सब्ज़ी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो मैंने यहाँ प्लेटिंग कर दी है, मैं इसको रोटी के साथ आपको प्रेफर करूँगी कि आप रोटी के साथ खाएँ इसे, क्योंकि सब्ज़ियों का जो स्वाद है वो जितना रोटी के साथ आता है ना उतना किसी चीज़ के साथ नहीं आता है, ना ही वो पूड़ी ना ही वो पराठे के साथ आता है। तो ये देखिए सब्ज़ी काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं इसको एक बार ट्राई करके फिर आपको बताती हूँ। सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।